दोस्तों सत्र 2019-20 के लिए अतिथि शिक्षक काउंसलिंग जो हो रही है उसमें तीन गलत निर्णय यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को इनमें बाहर किया गया है, किन सेवानिवृत्त शिक्षकों को बाहर किया गया है और किन को अंदर किया गया है, ये निर्णय भी गलत है। इसके अलावा व्हाट्सएप से असहमति और एक और बड़ा गलत निर्णय यहाँ पर हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि ये तीन बड़े गलत निर्णय कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग विजिट करते हैं सीधे www.guruji-official.com पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा आदेश है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि काउंसलिंग के बारे में आदेश है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ से इसको पूरा डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा आदेश है और इसको मैं यहाँ पर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आदेश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कहा जा रहा है 25 अंकों का, ये सबसे बड़ा गलत आदेश है। जो 25 अंक दिए जा रहे हैं 3 महीने के, ये सबसे बड़ा पहला गलत आदेश है। इसमें जो 7-8 वर्षों तक कार्यरत थे उनको 1 भी अंक नहीं, और 3 माह के 25 अंक यहाँ पर दिए जा रहे हैं 72 दिवस के। ये एक बहुत ही गलत सरकार का यहाँ पर निर्णय है। दूसरा दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकल के आ रहा है यहाँ पर, गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदकों को नहीं लिया जाएगा। ये भी दोस्तों एक यहाँ पर बड़ा निर्णय यहाँ पर सरकार का है। और दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, SMDC से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना है। और ये देखिए यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, ये निर्णय यहाँ पर। देखिए अगर आपको सेवानिवृत्त शिक्षकों को आमंत्रित नहीं करना है तो फिर आप जो है 65 वर्ष से पहले तक के आमंत्रित करना ही क्यों चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो आप उनको फिर छूट दे दीजिएगा, यहाँ पर ये हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 वर्ष से ज़्यादा शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका यहाँ पर एक और जो निर्णय है, देखिए यहाँ पर उनका कहना है कि असहमति के अतिरिक्त व्हाट्सएप इत्यादि पर भी प्राप्त की जा सकती है। ये भी बहुत गलत है, यानी कि पहले ये जो है आमंत्रित करेंगे, जो प्रथम जो जिसका मेरिट में नाम होगा उसको आमंत्रित करने के बाद उसकी सहमति ये व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राचार्य रहेंगे, संकुल प्राचार्य, वो अपनी मनमानी यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर वो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप से असहमति प्राप्त ना की जाए, लिखित में असहमति प्राप्त होनी चाहिए। एक लिखित साइन करके एक जो है पत्र यहाँ पर असहमति का देना जरूरी होना चाहिए, व्हाट्सएप से नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कई सारी और भी गलतियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर 25 अंक दिए जा रहे हैं सिर्फ 3 महीने के, और यहाँ पर 8 से 9 साल के लोगों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस निर्णय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस निर्णय से अगर आप सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, www.guruji-official.com पर विजिट करते रहिएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।